हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जो चीज़ कॉमन रहती है एक सक्सेसफुल और एक रिच पर्सन में, वो है उनका सेल्फ अवेयरनेस। उन्हें पता रहता है कि वो क्या करने वाले हैं और किस तरह करने वाले हैं और उसका रिजल्ट और आउटकम क्या होगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफस्टाइल हैबिट और बिहेवियर आज यूनिवर्सल है, क्योंकि हर व्यक्ति उनके लाइफस्टाइल हैबिट्स और बिहेवियर को जानता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन का लाइफस्टाइल हैबिट्स और बिहेवियर को जानते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इनके लाइफस्टाइल हैबिट्स और बिहेवियर को जानते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनको कोई बड़े रिजल्ट देखने को नहीं मिलते और ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि और सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे और बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के लाइफस्टाइल हैबिट्स और बिहेवियर को जानने के बावजूद और उसे अपनाने के बावजूद भी इनको कोई बड़े रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जिससे इनको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिला। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति का लाइफस्टाइल बिहेवियर और हैबिट को जानता है और उसे फॉलो करता है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपको बेहतर रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं और इससे आप डिप्रेस फील कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने ऐसा क्या नहीं किया जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे, अगर आप जानना चाहते हो कि आपको क्यों बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिले, तो मेरी पूरी वीडियो देखेगा ताकि आपको पता चले कि आप क्या छोड़ रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 60 टिप देने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट मिस कर रहे हो जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले ये 60 टिप कौन कौन से हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो नंबर वन, दैट इज फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन मोर देन एक्शन। हम सभी लोग फ्री इन्फॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, जहां पर हर इन्फॉर्मेशन हमारी फिंगर टिप पे मिल जाती है। एक ही जगह पर बैठे बिना कोई एफर्ट डाले हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हमारे लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू, वो भी फ्री में, जो हमें इंटरनेट में मिल जाती है। बिना कोई एफर्ट या प्रेशर डालकर सिर्फ हम एक ही जगह बैठकर पर क्लिक के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट की मदद से। और इसी फ्री इन्फॉर्मेशन की मदद से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है और हो रही है, और काफ़ी लोग आज भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में और ज्ञान हासिल करने में लगे हैं बजाय उसे इस्तेमाल कर एक्शन में लाने के। इस इन्फॉर्मेशन को एक्शन में लाकर अपनी लाइफ चेंज करने के बजाय ये सभी लोग अभी तक इन्फॉर्मेशन गैदर करने में ही लगे हैं। हाँ, हमें सीखना बंद नहीं करना है, लेकिन वो ज्ञान भी किस काम का जो हमें काम ना आए। अगर तुम भी बाकी लोगों की ही तरह सेम गलती कर रहे हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करने में ही लगे हो बजाय कि उसे एक्शंस में लाने के, तो हो सकता है कि तुम भी उन्हीं की तरह लाइफ टाइम सोचने में ही गुजार दोगे बजाय एक्शन लेने के। मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ने में ही टाइम लगा देते हो बजाय कि उसे एक्शन में लाने के। ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान को सही इस्तेमाल में ना लाना, यह ऐसा हो जाएगा कि जैसे ज्ञान होना और ना होना दोनों एक ही बराबर हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबें पढ़ने से और मोटिवेशनल वीडियो देखने से सिर्फ हमें इंस्पिरेशन मिलेगी बजाय सक्सेस के। अगर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको ज्ञान को सही इस्तेमाल में लाना होगा, अगर ना लाए तो उसका होना या ना होना एक समान है। नंबर टू, यू वर्क ओनली फॉर मनी। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि पैसों के लिए काम करना या पैसों के बारे में सोचना कैसे गलत हो सकता है, जब हमारे लाइफ में हमारा गोल सिर्फ अमीर बनना ही होता है। काफी सारे फाइनेंशियल बुक्स में और वीडियोस में कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसों को फॉलो करना पड़ेगा। खैर, खुद ही सोचो कि कौन अमीर बनना नहीं चाहता और पैसों को फॉलो नहीं करता। जो चीज़ एक रिच पर्सन को और एक पुअर पर्सन को अलग बनाती है वो ना केवल पैसा है, उसके साथ साथ वो रिच पर्सन का पर्पस है जो उसको अमीर बनाता है। जैसे कि बिल गेट्स का पर्पस था अफोर्डेबल पर्सनल कंप्यूटर, और स्टीव जॉब्स का पर्पस था थिंक डिफरेंट क्रिएट डिफरेंट, और
एलन मस्क का मार्स स्पेस मिशन। जरूरी नहीं है आपका भी इन लोगों की ही तरह बड़ा पर्पस हो, लेकिन आपके पास कोई एक पर्पस या रीजन होना चाहिए जिससे अगर आप फेल भी हो आप फिर खड़े हो सको। जैसे कि रिच डैड और पुअर डैड किताब में भी कहा गया है, जो कि पहला चैप्टर है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसका मतलब अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। अगर आपने अभी तक मेरी रिच डैड और पुअर डैड की वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 3, बैड विथ मनी गेम। तुम पैसों के खेल में अच्छे नहीं हो, या तो तुम्हें सेव करना नहीं आता या तो तुम्हें सेव कर इन्वेस्ट करना नहीं आता। ज़्यादातर लोग पैसों को सेव करने में ही लगे रहते हैं बजाय अपने इनकम को बढ़ाने में। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो पैसे बचाकर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर अमीर हो सकते हैं। अगर तुम्हें 50 से 60 साल की उम्र में अमीर होना है तो ये दोनों काम बहुत बढ़िया हैं, आप इससे आराम से अमीर हो सकते हो। अगर आपको कम उम्र में अमीर बनना है तो ये अपनाओगे तो अमीर नहीं हो पाओगे। अगर आप यंग एज में अमीर होना चाहते हो और अपने पैसों को बचाकर एंजॉय करना चाहते हो तो हम जो बता रहे हैं उसे अपनाइएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये अकेला ऑप्शन नहीं है जिससे आप अमीर हो सकते हो। बहुत सारे अधिक ऑप्शन हैं जिससे आप अमीर हो सकते हो। जिस पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है वो है आपके स्किल्स। न्यू स्किल्स सीखने पर आप इन्वेस्ट कर करेंट लेवल से ज़्यादा इनकम कमा सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर अपने बिजनेस को और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो। अगर आप सिंगिंग और डांसिंग में अच्छे हो या आपके पास कोई और टैलेंट है तो उस टैलेंट के इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आता है रिस्क, यह आप पर निर्भर होता है कि आप उसे किस तरह हैंडल करते हो। मनी गेम यही है, जो इसे समझ गया वो सचमुच रिच बन सकता है और जो इसे नहीं समझा वो हमेशा गरीब ही रहेगा। नंबर 4, लिविंग टू मच इन फ्यूचर नॉट इन प्रेजेंट। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में एक बात कॉमन देखी जाती है, वो ये है कि वो सभी लोग अपने फ्यूचर के लिए पैशनेट रहते हैं। चाहे वो एलन मस्क हो या चाहे बिल गेट्स हो, वो सभी लोग अपने फ्यूचर के बारे में पैशनेटली काम करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में रहने से ज़्यादा अपने प्रेजेंट में रहते हैं। वो अपने प्रेजेंट को और बेहतर बनाते हैं ताकि उनका फ्यूचर और अच्छी तरह हो। वो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फुल्ली अपने प्रेजेंट में काम करते हैं और अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने में लग जाते हैं, तो इसीलिए उनका फ्यूचर भी ब्राइट होता है। वो लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या तो वो प्रेजेंट में रहते हैं और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं और ऐसा एंजॉय करते हैं कि कल हो ही ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना कि प्रेजेंट के बारे में। ऐसे लोगों को कहा जाता है थिंकर्स, क्योंकि ये हमेशा सोचते ही रहते हैं और अपने ही सपनों की दुनिया में ही रहते हैं। ये लोग हमेशा अपने सपनों में ही रहते हैं और अपने सपनों में ही काम करते हैं और अपने सपनों में ही अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन समझ लेते हैं, ना ही रियलिटी में। ये हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते कि किस तरह अपने सपनों को रियलिटी में लाएं और किस तरह अपने सपनों को साकार करें। नंबर 5, फियर एंड स्केसिटी मेंटालिटी। हम सभी लोग ह्यूमंस हैं और हमारा ब्रेन बाई डिफॉल्ट डिज़ाइन है कि हमें हर डेंजर सिचुएशन से बचाए, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली। बायोलॉजिकली कभी भी हमारा ब्रेन खतरा देखता है तो वो हमें वार्निंग देता है कि ये मत करो, और बताता है कि इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। कभी कभी ये हमारी ब्रेन की पावर हमारी मेंटालिटी और हमारे फियर को कंट्रोल करती है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी ये पावर हमें फियरफुल और स्केयरसिटी मेंटालिटी बनाती है, जिसके कारण डर कर हम अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 6, डूइंग सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अगर तुम्हें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है तो तुम्हें वो हर एक चीज़ करनी पड़ेगी जो एक सक्सेसफुल और एक रिच मैन करता है। अगर तुम्हें पुअर और अनसक्सेसफुल पर्सन नहीं बनना तो तुम वो गलती मत करो जो एक पुअर और अनसक्सेसफुल पर्सन करता है। हमारी हैबिट्स और हमारी थिंकिंग ही हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। कुछ लोग जन्म से ही गरीब होते हैं लेकिन बड़े होकर APJ अब्दुल कलाम जैसे बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म से गरीब होते हैं और बड़े होकर भी गरीबी रहते हैं। गरीब लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपना गोल सेट नहीं करते, वो अपने हैबिट्स और थिंकिंग नहीं बदलते, और उसके साथ साथ वो हमेशा प्रेजेंट को इंजॉय करने में ही गुजार देते हैं, ना कि उसे यूटिलाइज करने में,
वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और उसके बारे में सपने सजाते हैं और ड्रीम्स लेते हैं और उन ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं बदलते। इन लोगों को काफ़ी फर्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या कहेंगे, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए ये नया आईफोन, नए कपड़े खरीदते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए ये सब चलता रहता है। ये लोग लोगों के सामने बेहतर काम करते हैं क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए कि ये सबसे बेहतर हैं। ये लोग लोगों को इम्प्रेस करने और उनका रेस्पेक्ट पाने के लिए हर एक चीज़ करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग पैसे को स्पेंड करना जानते हैं, ना कि सेव और इन्वेस्ट करना। ये सभी लोग माहिर होते हैं गॉसिप्स करने के बजाय अपने आप को इम्प्रूव करने के। नंबर 7, वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें सुबह जगने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 16 से 20 घंटे ही होते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और हमारी सक्सेस डिपेंड करती है कि हम किस तरह अपने 24 आवर्स को मैनेज करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। अगर तुम अपने टाइम को यूटिलाइज करने के बजाय उसे ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे तो ये आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालेगी। तुम्हें ऑनलाइन सीरीज देखना बहुत आसान लगेगा बजाय अपने ड्रीम्स और गोल्स पर काम करने के, और वो इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन ये कब गुजर जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि कहा जाता है, टाइम इज मनी। अगर तुम टाइम के साथ नहीं चलोगे तो टाइम तुम्हारे से आगे चल जाएगा और तुम हमेशा पीछे ही रहोगे और हमेशा स्ट्रगल ही करते रहोगे, क्योंकि टाइम इज मनी और टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। और तुम्हें हमेशा दूसरों की बात सुननी पड़ेगी और हमेशा उनके ताने झेलने पड़ेंगे। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो टाइम को फॉलो करो, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम को बर्बाद मत करो और इस टाइम को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगाओ, न्यू स्किल्स लर्न करने में लगाओ ताकि करंट लेवल से हाई इनकम अर्न कर पाओ। जब तुम्हारी एज हो तुम ये मत सोचना कि मैंने क्यों अपना टाइम बर्बाद किया। अगर आज तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो तो आगे चलकर अफसोस करना पड़ेगा। अगर कामयाब बनना है तो वक्त को इस्तेमाल करने का सीखो। आज के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए।